अव्यक्तवाणी कोई सी भी लेटेस्ट आज है 3 फरवरी 2005 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। कहां हर्षित हो रहे हैं? कोटों में कोई और कोई में कोई ऐसे बच्चों को देखकर कहां हर्षित हो रहे हैं? माउंट आबू में गुलजार दादी के तन में नहीं, ये वाणी कहां बोली गई है? गुलजार दादी के तन में। तो हर्षित कहां हो रहे हैं? हैं? सूक्ष्म बतन का समाचार सुनाए रहे हैं कि सूक्ष्म बतन की सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाले ब्रह्मा बाप ऐसे ऐसे विशेष बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। और ब्रह्मा बाप की बात नहीं बताई इतनी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर स्पष्ट बोल दिया। कौन हर्षित हो रहे हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि बाप दादा के हैं तो भी कंबाइंड रूप में दो आत्माएं होती है, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो एक ही होगा। शिव ज्योति बिंदु के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। साकार शरीरधारी में प्रवेश करता है तब वो ग्रैंडफादर भी बनता है। तो एक्स वाई जेड किसी में भी प्रवेश करके ग्रैंडफादर नहीं बनता। जो भी मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है, जिसे आदम अथवा एडम कहा जाता है, आदि देव कहा जाता है, उसमें प्रवेश करके वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। माना सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं मानते, ब्रह्मा का ही बाप नहीं है, और भी जो ग्रेट धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी ग्रेट धर्म पिताएं हुए, उन सब से ग्रेट, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जैसे कहा जाता है देव देव महादेव, तो ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनसे भी महान महान देव। तो चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के चारों ओर के बच्चे, एक तरफ के बच्चे नहीं कि भारत के बच्चे हो, नहीं, चार मुख्य धर्म है और चार मुख्य धर्मों के चार सहयोगी धर्म है। तो चारों दिशाओं से जो विशेष बच्चे बाप के सामने हैं, उनको देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। जितना विशेष भाग्य कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों को मिला हुआ है, हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई न कोई विशेषता जरूर है। कौन से बच्चों में विशेषता बताई? जिन्होंने दिल से संबंध जोड़ा,
दिल से संबंध, बिना दिल के संबंध भी जुड़ जाता है क्या? है? जुड़ता है? कोई मिसाल है? नहीं है। वैश्याएं होती है, वो पैसे के द्वारा संबंध जोड़ती है या दिल के द्वारा संबंध जोड़ती है? वो तो दिल से संबंध नहीं जोड़ती, ढेरों के साथ संबंध जोड़ता है उनका, लेकिन दिल से संबंध नहीं जुड़ता। तो यहां तो बाप कहते हैं, जिन्होंने दिल से बाप के साथ संबंध जोड़ा उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचाना। कैसे बाप को पहचाना? राजाओं महाराजाओं जैसी पर्सनालिटी वाले बाप को नहीं पहचाना, गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े बाप को नहीं पहचाना, साधारण पर्सनालिटी वाले बाप को दिल से पहचाना। और पहचान कर मेरा बाबा, ये दिल से आवाज निकली और अपना बना लिया, मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलॉसफर, साइंसदान, धर्मात्माएं भी नहीं पहचान सके, क्या गीता में क्या बोला? साधारण तन में आए हुए मुझे परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। दुनिया की दृष्टि में वो महात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, साइंसदान हैं, बड़े बड़े फिलॉसफर हैं, लेकिन बाप की नजरों में वो कौन है? मूढ़मती हो गए। उन्होंने बाप को नहीं पहचाना और मेरे दिल वाले बच्चों ने पहचान लिया। वो नहीं पहचान सके, वो साधारण बच्चों ने पहचाना और पहचान कर अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे, इन भोली भाली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया, समझ नहीं सकेंगे। तो ये विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने, जो भी सन्मुख बैठे हैं, बात दूर बैठे सन्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। तो पहचान लिया है या पहचान रहे हो? जिसने पहचान लिया है वो हाथ उठाओ। माउंट आबू में पूछ रहे हैं, यहाँ नहीं पूछ रहे। क्योंकि यहाँ तो पूछने की बात ही नहीं, होंगे तो कोई 2-4% कोई छुपे हुए ऐसे बैठे होंगे, यहाँ की बात नहीं, वहां पूछा। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? जिसने पहचान लिया है वो हाथ उठाओ। कोई ने हाथ उठाए होंगे। पहचान लिया? अच्छा, तो बाप दादा पहचानने के विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। क्या पहचान जो है वो इन आंखों से नहीं होती,
ना सुप्रीम सोल बाप को जाना जा सकता है, वो तो देखने की चीज ही नहीं। और वो जिसमें प्रवेश करता है पता नहीं किसमें प्रवेश करता है, कैसे पता चले? तो जिसमें प्रवेश करता है वो इतना साधारण तन है, साधारण पाठधारी है कि दुनिया उसे पहचान नहीं सकती, देख नहीं सकती इन आंखों से, इन आंखों से देखने की चीज नहीं। दोनों ही बेहद के बाप, चाहे आत्माओं का बाप हो और चाहे मनुष्य सृष्टि का बाप हो। तो बाप बच्चों को पहचानने की मुबारक दे रहे हैं, वाह भाग्यवान बच्चे वाह, तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। किसे प्राप्त कर लिया? त्रिनेत्री होगा तो त्रिनेत्री से तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत है? पाना था सो पा लिया। बाप भी कहते हैं वो लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मिल देख रहे थे। बाप ने खजाने तो सबको एक जैसे और एक जितने ही दिए हैं, किसको पदम किसको लाख नहीं दिया है। लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना और उन खजानों को जीवन में समाना, इसमें सब बच्चे नंबर वार हो गए। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिलाए रहे हैं। क्या अटेंशन दिलाए रहे हैं? आजकल जो भी अव्यक्तवाणियां चल रही है उनमें किस बात का अटेंशन विशेष दिलाए रहे हैं? अरे शूटिंग का लास्ट पीरियड चल रहा है तो अटेंशन दिला रहे हैं समय की समीपता का। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो कि क्या मिला, क्या लिया और जो कुछ लिया उससे खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रायल प्रकार के अलबेलेपन और रायल आलस्य के रूप में ट्रायल कर रही है। अमृत वेले की खास चेकिंग पर ध्यान देना चाहिए। माया क्या कर रही है? ट्रायल कर रही है, करती रहती है, इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो की, लेकिन अच्छे के अच्छे क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? कितनों को शुभ भावना शुभ कामना और दुआएं दी, ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा? क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं, बाकी 5000 वर्ष में क्या होगा? है ईश्वरीय भंडार से भरने का खाता अभी जमा हो रहा है, उसके बाद 5000 वर्ष में खाली होता रहेगा।
वर्तु नहीं होगा अभी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय की जमा का खाता फुल सीजन जमा की है, फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग भी कम और पूज्य बनने में भी नंबर वार हो जाएंगे। जमा कम किया तो पूजा भी कम होगी, विधि पूर्वक जमा नहीं हुआ तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं होगी। कभी कभी और विधि पूर्वक होती रहे और कभी न भी हो तो पूजा भी कम होगी और पद भी कम हो जाएगा। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने और समान बने। किसके समान बने? बाप समान बने। कौन से बाप के समान बने? बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है उसके समान बने, या मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसके समान बने? तो बाप दादा यही चाहते हैं, सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम रहो, सेवा में भी अटैचमेंट ना पैदा हो जाए मेरी सेवा नहीं बेहद के सेवाधारी। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होती है, सेवा में अटेंशन ज्यादा रहती है, लेकिन बिना याद के सेवा में उतनी सफलता नहीं हो सकती। बिना याद के सेवा में अगर ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, बेहद की सेवा नहीं रहती और उपराम वृत्ति भी नहीं होती। नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है और बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से हैवे रेडी हो जाए, मेरे बच्चे इब्राहिम पुत्र क्राइस्ट के बनने वाले बच्चे नहीं, उनके धर्मों में कन्वर्ट हो गए तो किसके बच्चे हुए? उनके ही हुए। लेकिन मेरे बच्चे अभी से हैवे रेडी हो जाए, क्यों? अभी से क्यों है रेडी हो जाए? हैं? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, अभी से क्यों? लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, या जो आपकी रचना है क्रिएशन है उसको अपना शिक्षक बनाएंगे? समय आपको शिक्षा देगा? दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है, तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलहना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में अभी यह समय पड़ा हुआ है, अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते कि बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी न रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है,
है ना, ब्रह्मा बाप से प्यार का रिटर्न है, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना, तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो अपने आप को, टर्न करना यही बाप दादा को रिटर्न देना है। तो ऐसा रिटर्न देने की हिम्मत है, हाथ तो बहुत उठाए लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो, और हाथ ऊंचे उठे हुए देख करके बाप दादा भी खुश हो जाते। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत ले लो रिटर्न देना ही है और अपने आप को टर्न करना ही है। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो बहुत प्यार से सभी बच्चों को उमंग, बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का आता है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए रहे हैं। सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगदम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी, सिंधी भाषा में ले प्लस किन किन कहते हैं। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई भी पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं है। अभी ये उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं हम वही है। नोट करो, बाप दादा क्या चाहता है वो लिस्ट निकालो और चेक करो, बाप दादा यह चाहता है, वह नहीं यह चाहता है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, क्या कहा, किससे बात कर रहे हैं, है? पूर्वज आत्माओं के द्वारा बात कर रहे हैं, पूर्वज आत्माओं से बात कर रहे हैं। कोटो में कोई और कोई में भी कोई, और मेरे बच्चे कोई धर्म पिता के बच्चे नहीं। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, आप किसके द्वारा चाहते हो, हैं? आप बाप द्वारा मुक्ति चाहते हो और दुनिया वाले धर्म नहीं, आप पूर्वज आत्माओं द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्लाए रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मैच्योरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, नेचुरल संस्कारों से भरे पूरे नहीं हो, नेचर बन गई है, कुछ न कुछ थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो,
तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? गेट की चाबी है बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे प्रवृत्ति वालों को कहते हो ना, ऐसे सब कुछ करते, कर्तापन से मुक्त न्यारे, न साधनों के वशीभूत, न पोजीशन के वशीभूत। कुछ न कुछ मिल जाए, ये पोजीशन नहीं है, ये माया की अपोजिशन है। न्यारे और बाप के प्यारे, तो ये मुश्किल है क्या? न्यारे और प्यारे बनना, जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। और मुश्किल किसको नहीं लगता है? फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, संकल्प में भी बनना है। रोज क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? मन मना भव पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, तो संकल्प में भी बाप समान, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपत्ति में भी, सब बातों में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वो हाथ उठाओ। खुश नहीं कर लेना कि सिर्फ अभी अभी खुश कर लिया, सभी ने हाथ उठाया है। ये हाथ उठाना टीवी में देख रहे हो ना, टीवी में निकाल रहे हैं। शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे, क्या टीवी? कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से कौन कौन का बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है। तो शिवरात्रि पर टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ओ कितना प्यार है। सिर्फ अभी अभी खुश नहीं कर लेना, ठीक है, जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना, ये क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार भी हो जाते हैं, और कोई कोई जीवन दे भी देते हैं, खुदकशी कर लेते हैं। बाप दादा तो सिर्फ किचड़ा कहते हैं, किचड़ा दे दो बस, अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना, किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए और स्वयं स्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी, तो परिस्थिति का नाम नहीं हो कि परिस्थिति हिलाने वाली थी, लेकिन स्वयं स्थिति ऐसी मजबूत हो कि परिस्थिति हल्की महसूस हो।
स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली और ऊंची स्टेज वाली हो जैसे कोई ऊंची स्टेज में ऊंचे पर उड़ान भरता है तो नीचे की वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई देती है। 3 फरवरी 2005 की वाणी का तीसरा पी। तो स्वस्थिति शक्तिशाली हो, समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे। जब समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे हैं? दुनिया वाले तो कहते हैं 9 लाख सितारे आसमान में चमक रहे हैं, वो तो जड़ सितारे। आप फरिश्तों की चमक दिखाई दे, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, नैनों से भी चमकते हुए दिखाई दे और ज्ञान रत्नों की रोशनी से भी चमकते हुए दिखाई दे, गुण रत्नों से भी चमकते हुए दिखाई दे। इसीलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। इसलिए रुका हुआ है, दुनिया वाले चिल्लाए रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो। तो अपना प्लान अपने आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर और कई बातें हो जाती है। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता तो मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह, दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती है। जैसे प्यार 100% में है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो, ज्यादा भले हो लेकिन कमी नहीं हो। तो पसंद है ना, शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। क्या है जलवा दिखाने वाले, ये निश्चय विजयी बना देगा। प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रूढ़िहान करते हैं ना, कहते हैं बस यह थोड़ा सा उसको ठीक कर दो, थोड़ा सा इनको ठीक कर दो फिर मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी। ये थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदल जाऊंगा, या मैं भी बदल जाऊंगी। लेकिन वह बदलेगा नहीं, ना वह बदलेगा और ना आप बदलेंगे। तो प्रदर्शन नहीं करना, क्या करना, स्वदर्शन। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह परिवर्तन हो जाए तो यह हो जाएगा, नहीं मुझे करना ही है। अच्छा अभी शिवरात्रि आनी है ना, कोई खास दिन मुकर्रर है शिवरात्रि का क्या है, मुकर्रर कर लिया है शिव की जयंती का दिन मुकर्रर कर लिया है,
कि वो ही भक्ति मार्ग वालों की शिव जयंती के आधार पर शिव जयंती का दिन मनाते चले आ रहे हैं। उस खास उसी दिन होगा या आगे पीछे भी हो सकता है, है? सितारों को आगे पीछे चमक मारनी है या खास उसी दिन से चमक मारनी है, है? आगे पीछे से मारनी है धोखा मार के। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। कोई है जो बाप दादा के सामने पहली बारी आए हैं? बहुत है? तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि कम समय रहते में भी आए हो लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट हो जाओ और फास्ट सो फास्ट नंबर में आ जाओ, क्योंकि अभी चेयर्स का गेम चल रहा है, कुर्सी दौड़ होती है ना, है? तो ये पहले पहले 8 कुर्सियां खाली है, 8 कुर्सियों की बड़ी भारी दौड़ हो रही है। इस कुर्सी दौड़ में पहले पहले नंबर में आ जाओ। अभी किसकी जीत है? अभी भी वो आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। कब पहुंच जाएंगे? अगर फास्ट चलेंगे तो सिर्फ अपने आप को अमृत बेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। क्या कहा? पहली बार तो आए हैं लेकिन क्या पक्का करना है कि छोटे छोटे बच्चों को, कोमल कोमल बच्चों को कहीं माया पंख ना मार दे, तो अमर बने रहना। अच्छा, सभी कोई दूर से नजदीक से आए हैं, बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में। कहाँ पधारे? अपने घर में। अपने घर में पधारे है क्योंकि ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी भी है, तो भले घर में पधारे। संगठन अच्छा लगता है, टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी, एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना? अच्छा, अभी क्या करना है? इंदौर जोन का सेवा का टर्न। इंदौर वाले उठो, हाथ हिलाओ, बहुत आए हैं, बहुत अच्छा है, चांस लेना, यह भी बहुत श्रेष्ठ तकदीर बनाना है। किनको? इंदौर वालों को। इंदौर वाले आउट ऑफ द डोर तो नहीं होते हैं? तकदीरवान हो जो चांस मिला है और लिया भी है। बाप दादा तो सदा कहते हैं कि यह 15, 10 दिन, 20 दिन का जो गोल्डन चांस मिलता है हर जोन को, ये बहुत बहुत समान स्वयं स्थिति और पुण्य का खाता जमा करने का चांस है। तो सभी ने उमंग उत्साह से सेवा की है, उसकी मुबारक है।
किसने सेवा की है? हैं? इंदौर वालों ने उमंग उत्साह से सेवा की है, उसकी मुबारक, अच्छा है। इंदौर तो सदा अंतर्मुख रहता होगा, क्यों? क्योंकि इंदौर है ना, डोर के अंदर रहने वाले हैं। फिर यहां कैसे आ गए? है डोर के अंदर रहने वाले हैं तो अंतर्मुखी हो गए ना, तो अंतर्मुखी सदा सुखी होता। तो इंदौर निवासियों को नेचुरल वरदान हो गया, अंतर्मुखी सदा सुखी। सिर्फ क्या करें इंदौर वाले, क्या करें? अंतर्मुखी बन करके रहे तो जन्म जन्मांतर सुख का वरदान मिल जाता। तो कमाई जमा की, ज्यादा में ज्यादा कमाई की या थोड़ी की? सबने बहुत कमाई की। अच्छा, एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, उसका भी पुण्य मानते हैं। आपने तो कितने ब्राह्मणों की सेवा की? कहाँ की बात है? हैं? कहाँ की बात है? माउंट आबू की। वहां ब्राह्मण है, वहां ब्रह्मा है, है? तो जहां ब्रह्मा ही नहीं है तो ब्राह्मण कैसे हो गए? एक मुरली में पूछा है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म बतन में है। तो तुम्हारा बाप ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में, तुम यहाँ साकार बतन में कहाँ से आ गए? तो बताओ, ये ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणों के लिए ये ब्रह्मा भोजन खिलाने वाली बात कहाँ की होगी? है? अरे किससे बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी से बात हो रही है? इंदौर पार्टी से। कहाँ है इंदौर पार्टी? जो डोर के अंदर रहती है, बाहर नहीं दिखाई पड़ती है? है? वहां तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां चारों तरफ घूमते फिरते हैं, और ये मेगा प्रोग्राम बन रहे हैं बड़े बड़े है? हाँ, एडवांस पार्टी में जो सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमारियां हैं वो सदैव इंडोर रहती है, और उनके लिए चांस मिलता है कि पार्टियां आती हैं, ब्रह्मा बाप की संतान बनती है, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप को पहचानती है, और पहचान करके जब भट्टी करने आती है तो 10, 15 या 20 दिन उनकी सेवा का चांस मिल जाता है। तो कहा कोई एक ब्राह्मण भी खिलाते हैं तो उनको भाग्य बन जाता है, सेवा करते हैं उसका पुण्य मानते हैं ना। आपने तो कितने ब्राह्मणों की सेवा की है, तो आपके पुण्य का खाता बहुत बड़ा जमा हो गया। और सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की, क्या कहा? वो तो सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहते हैं, दुनिया वाले भी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा की औलाद तो होते नहीं। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कुकवंशावली ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा की कोख का प्यार तो लिया है, लेकिन झूठी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि ब्रह्मा बाप था और अभी शरीर छोड़ करके चला गया। तो बाप कहते हैं ये झूठे ब्राह्मणों की बात नहीं है, सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की है, आप झूठे ब्राह्मणों की सेवा करने वाले नहीं हो। तो पुण्य का खाता भी इतना महान हो गया, अच्छा है। उमंग उत्साह से स्वोन्नति कर रहे हैं, करते रहना और आगे उड़ते रहना। अच्छा, मेडिकल विंग वालों से अच्छा किया है, इन्होंने अपने विंग में विशेष धारणा बहुत अच्छी रखी है, दया और दुआ, और तीसरी बात दवा। दया, दुआ और दवा।
दया दुआ और दवा तो कितना अच्छी बात हो गई। तो चेक करना, दया भाव रहा, तंग होकर के तो सेवा नहीं की। कोई ऐसा पेशेंट आ जाए तो तंग तो नहीं होते हो, दुआ भी दो दवा भी दो और सदा के लिए पेशेंट न रहे, पेशेंस हो जाए, पेशेंस में आ जाए। देखो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। तो आपकी सेवा का कितना महत्व है, टाइटल मिला है नेक्स्ट टू गॉड। इसलिए लक्ष्य अच्छा रखा है, दया और दुआ। दवाई देना तो कार्य भी है, जो भी पेशेंट आवे, रोता हुआ आवे और मुस्कुराता हुआ जावे, तब कहेंगे दया और दुआ की। 3 फरवरी 2005 की वाणी का चौथा पेज। चिल्लाता हुआ आवे और आराम से जाए, अच्छा है। मेडिकल विंग का तो सबूत है, डॉक्टर सतीश गुप्ता बैठा है ना, कौन है, काई काईश है, सत्य काईश बैठा है ना। बाप दादा तो हर बात में बेहद में बोलते हैं, हद के ब्राह्मण उसको अर्थ में हद में समझते हैं और बेहद के ब्राह्मण बेहद में समझ लेते हैं। तो मेडिकल विंग ने सबूत दिया है, गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचा है। बाप दादा चाहता है ऐसे हर एक विंग का गवर्नमेंट तक आवाज जाए। देखो प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ब्रह्मा कुमारियां बिना खर्चे के हार्ट ठीक कर देती है, और खुद हार्ट फेल होकर मरती है। तो कौन से ब्रह्मा कुमारियों की बात होगी, जरूर एडवांस की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों की बात होगी। तो यह भी आवाज तो फैलाना, गवर्नमेंट तक आवाज जरूर जाना चाहिए। गवर्नमेंट तक जाने का मतलब है कि वहां आवाज फैलेगा ऑटोमेटिक। जैसे पहले आप लोग क्या करते थे, कोई न कोई नेता को बुला लेते थे और नेता का आवाज टीवी में निकलता था। अभी तो टीवी आपकी हो गई है, क्या पहले उनकी टीवी में निकलता था, अभी मोहल्ले मोहल्ले में टीवी चैनल लग गए हैं। तो टीवी चैनल में आपका टीवी भी आने लगा है, आपकी टीवी हो गई। लेकिन पहले बुलाते थे तो नाम हो गए, टीवी वाले आवे तब आवाज फैले। अभी टीवी वाले आवे या ना आवे, लेकिन आपका आवाज फैलता रहेगा। अभी इससे ऊपर चले गए हो, अभी टीवी वाले आपके और ही पूछने के लिए आते हैं, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, तो फर्क हो गया ना। तो गवर्नमेंट तक पहुंचने से आवाज फैल जाता है, तो अच्छा कर रहे हैं, मुबारक हो। स्पोर्ट विंग, मम्मा बाबा दीदी दादी का फोटो बैडमिंटन खेलते हुए स्पोर्ट विंग वाले चित्र दिखा रहे हैं, अच्छा। सभी को दिखाओ, क्या है, कौन सा फोटो, बैड और मेंटेन, चित्र दिखाए रहे हैं, अच्छा सभी को दिखाओ, अच्छा है। कोई न कोई ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो हम माइक बने और आवाज फैलाए, क्या कि आप सच्चे राजयोगी हो और दुनिया में सब योग तो सिखाते हैं
लेकिन वो योग वास्तव में योग नहीं है। कोई न कोई ऐसी आत्माओं को संदेश दो, बनाया है ना प्रोग्राम, अच्छा है। बाप दादा कहते हैं ऐसे स्पोर्ट्स में जो गाये हुए हैं, क्या स्पोर्ट माने क्या होता है, खेल, ऐसे खेल में जो गाये हुए हैं और नामी ग्रामी हैं, वो माइक बने। इतना पुरुषार्थ करो, हर एक वर्ग का जो सबसे विशेष गाया हुआ है, हर एक वर्ग का जो मुखिया है, जो सबसे विशेष गाया हुआ है, वो आपका माइक बने। एडवांस में वर्ग कितने बताए, हैं? नौ वर्ग बताए। ब्राह्मणों की कितनी कुरियां होती हैं? नौ कुरियां होती हैं। तो बताया हर एक वर्ग का जो सबसे विशेष गाया हुआ है, बारह बारह के ग्रुप होंगे ना, तो उन बारह बारह के ग्रुप्स में कोई ना कोई मुखिया तो होगा ना, तो जो मुखिया होगा, जो स्पोर्ट्स में गाए हुए हैं, नामी ग्रामी हैं, कितने हैं नामी ग्रामी, नवरत्न नामी ग्रामी है ना, वो माइक बने। इतना पुरुषार्थ करो, हर वर्ग में जो सबसे विशेष गाया हुआ है, बारह में से पहला, हर एक बारह बारह के ग्रुप में से जो विशेष गाया हुआ है पहला, वो आपका माइक बने। किसका माइक बने है? स्वयं का नहीं, आपका। किससे बात कर रहे हैं? अष्टदेवों से। किससे बात कर रहे हैं? अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, वो आपका माइक बने। आपको माइक बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अपना एडवर्टाइजमेंट अपने आप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक वर्ग वाला ये कोशिश करो कि भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स होती हैं, उसमें से कोई नामी ग्रामी ढूंढो, उसको अनुभव कराओ और वह अपना अनुभव सुनाए। आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो हर वर्ग को ऐसे करना चाहिए। साधारण की तो कर ही रहे हो, साधारण की सेवा ये तो कर ही रहे हो, ये मेगा प्रोग्राम कर रहे हो तो जनरल आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी क्वालिटी की सेवा करो। क्या कहा? मेगा प्रोग्राम से कौन आ रहे हैं? जनरल प्रजावर्ग की आत्माएं आ रही हैं, लेकिन अभी थोड़ी क्वालिटी की सेवा करो। हर एक वर्ग ऐसा एक दो माइक तैयार करो, क्योंकि अभी भी काफी समय हो गया है। वर्ग वाले सेवा कर रहे हैं, परिचय तो हो गया है काफी, अभी एक एक कोई ऐसा तैयार करो। चलो रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन माइक तो बने, क्योंकि ऐसी आत्माएं रेगुलर स्टूडेंट मुश्किल बनती है। अनुभव तो सुनावे, तो इस वर्ष यह करना। हर एक वर्ग कोशिश करो और फिर उन लोगों का संगठन हो जाए, छोटा संगठन, बड़ा नहीं। तो एक दो को देख करके भी उमंग आता है, ठीक है ना? तो पहले कौन करेगा? आप करेंगे। अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो, सिक्योरिटी विंग, सिक्योरिटी विंग वाले बैनर दिखाई रहे हैं। लक्ष्य तो अच्छा रखा है इन्होंने, लक्ष्य रखा है सुरक्षा, सेवा और संपूर्ण समर्पण।
संपूर्ण समर्पण हो गया तो फिर तो संपूर्ण हो ही जाएंगे। क्या कहा? अगर ये लक्षण दिखाई पड़ने लगे कि है तो तन से, मन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, सब प्रकार से समर्पण देखने में आ रहा है तो संपूर्ण हो ही जाएंगे। अच्छा लक्ष्य रखा है अपने को समर्पण करना, अर्थात निमित्त और निर्माण बनना। निमित्त और निर्माण बनने से सफलता तो है ही, अच्छा है। आप लोगों को तो अंत तक सेवा करनी पड़ेगी। क्या कहा? सिक्योरिटी विंग को अंत तक सेवा करनी पड़ेगी। अंत के समय आपकी सेवा ज्यादा होगी, अच्छा है। हर एक विंग लक्ष्य को दोहराते रहना। लिखा तो सभी ने अच्छा है, लक्ष्य को लक्षण बना के ही छोड़ना है। आज तो लक्ष्य दिखाया है, अभी लक्षण देखेंगे। सभी विंग ने अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छा, कोई मिलिट्री वाले तैयार कर रहे हो, सिक्योरिटी के हर ग्रुप में कनेक्शन रखो, चाहे देश के लिए, चाहे आत्माओं के लिए। जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उन सब की सेवा हो, क्योंकि ये समय पर बहुत काम में आने हैं। जैसा समय नाजुक होता जाएगा तो आपको उन्हों की मदद से आवाज फैलाने में बहुत अच्छा होगा। कनेक्शन सबसे रखो, जो भी शाखाएं हैं उन्हों से भी संपर्क रखो। सेवाधारी बहुत होते हैं तो समय पर सेवाधारी काम में आवे, अच्छा है। फिर भी बाप दादा देखते हैं, हर वर्ग कोशिश अच्छी कर रहे हैं, अच्छा। बुबार स्पार्क ग्रुप, बहुत अच्छा है। घर घर में आवाज फैल जाएगा। और ऐसा ग्रुप तैयार करो जो गवर्नमेंट तक भी आवाज जाए। ये अभियान कराएंगे तो आवाज जाएगा। कोई ने बताया मुख्य निष्ठ समाज की रचना करने का लक्ष्य रखा है, फिर अभियान निकालने का सोचा है जिसमें हर जोन हर विंग इसी के अंतर्गत सेवा करे, साथ साथ अंतिम समय की तैयारियां तथा संस्कार परिवर्तन के विषय पर गहन अनुभूति कराने का लक्ष्य रखा है। अच्छा सोचा है। संख्या तो बहुत है, सब रिजल्ट निकालना, फिर बाप दादा और भी मुबारक देंगे, अच्छा है। उमंग उत्साह, अपने पुरुषार्थ में भी उमंग उत्साह बढ़ाएगा। सिर्फ सेवा में ही नहीं, साथ में अपने पुरुषार्थ में भी उमंग उत्साह बढ़ता जाए, सेवा भी बढ़ती जाए। बाकी अच्छा किया है, मुबारक हो। कोई ने कहा ये यूथ ग्रुप की सेवा करके आए हैं, तो यूथ ग्रुप जो सेवा करके आए हैं, सेवा में खुशी का मेवा खाया, क्योंकि सेवा का मेवा मिलता है खुशी, उमंग और उत्साह। तो सिर्फ सेवा की, सेवा के साथ साथ मेवा भी खाया, कितनी खुशी रही। खुश रहे और खुशी बांटी, ये मेवा खाया और मेवा खिलाया, ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। अच्छा किया है, मेहनत अच्छी की है, मेहनत की मुबारक और आगे बढ़ने की मुबारक भी, डबल। विदेशों से कितने देशों से आए हैं? कोई ने कहा 35 देशों से आए, अच्छा है। डबल विदेशियों से मधुबन की सजावट हो जाती है, चाहे ज्ञान सरोवर में रहो, चाहे नीचे रहो, लेकिन आप मधुबन के डबल श्रृंगार हो। सब आपको देख करके खुश होते हैं। और बाप दादा ने सुनाया कि जब स्थापना हुई तो बाप दादा का एक टाइटल नहीं था, और जब विदेश सेवा हुई तो प्रैक्टिकल में वह टाइटल आ गया। वो कौन सा टाइटल है?
है 69 तक सिर्फ भारत में ही सेवा केंद्र खुले थे और 69 के बाद विदेशों में भी सेवा केंद्र खुल गए। उस समय बेसिक नॉलेज की किताब पूरी हुई और कौन सी नॉलेज की किताब शुरू हुई? एडवांस पार्टी में आने वालों का तांता लग गया। तो जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं 69 से यज्ञ में आने लगी, उनके आने से बेहद की विदेशी सेवा जोर भरने लगी। तो आप मधुबन के डबल श्रृंगार, वो टाइटल डबल विदेशियों को जो मिलता है वो बाप दादा को भी मिला। बाप दादा क्या बनकर के आए हैं? डबल विदेशी बनकर के आए हैं। 69 से पहले कभी कहा कि बाप दादा डबल विदेशी बनकर आए हैं? नहीं। 69 के बाद खास करके 76 से ये कहना शुरू हुआ कि बाप दादा डबल विदेशी बनकर के आए। क्यों? डबल विदेशी होंगे तो विश्व कल्याणकारी होंगे, सिर्फ स्वदेशी होंगे तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।